मेरा नाम है हनी। जय भद्रविशाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल YB Blogs में। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आज मेरे YouTube चैनल YB Blogs के 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो गए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिन भी लोगों ने मेरी वीडियोस को शेयर करा और जो भी सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को, उन सभी लोगों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों को। और सबसे बड़ा जो मैं थैंक यू है अपने बड़े भाई बंटी भैया को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया और जो व्लॉगिंग है वो शुरू करी है। क्योंकि ये जो कैमरा है वो भी उन्होंने ही मुझे ला के दिया है। पहले तो ये कैमरा यहाँ बद्रीनाथ में फ़ोटोग्राफी के लिए उन्होंने मुझे ला के दिया था, लेकिन पिछले 2 साल से यात्री तो थे नहीं। तो इस बार जनवरी में जब हमारे गाँव में जाति मेला होना था, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि एक काम कर तू, ये कैमरे से व्लॉग बना। तो जो शुरुआत है उन्हीं ने करी है, तो जिस वजह से मैं आज आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ। उसके बाद मेरे गांव के जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, और जिन भी लोगों ने फर्स्ट दिन से मेरे साथ हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करा है, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो ये दिन मेरे लिए स्पेशल है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल ऐसा किया जाए जो कि मुझे हमेशा याद रहे। तो कल सुबह मैंने अंशा की पोस्ट देखी, उन्होंने बद्रीनाथ में वृक्षारोपण किया था, तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक पेड़ मैं अपने 1K सब्सक्राइबर के नाम पर लगाऊँ। तो मैंने कल शाम को वो पेड़ लगा दिया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पौधे लगाने का आज मेरा मेन मकसद ये था कि अगर कभी भी मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे दिख जाए कि यहाँ पे मैंने पेड़ लगाए थे। तो जैसे मतलब कुछ साल बाद मैं अगर इस जगह पे आता हूँ और जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो मैं जैसे कोई भी अगर आता है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ देखो, जब मेरे फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर हुए थे उस टाइम पर मैंने ये पेड़ लगाए थे। मुझे अभी भी याद है, जब फर्स्ट दिन था तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा था, जाति मेला हो रहा था, मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन मैं शुरुआत कर रहा था, तो मैंने मतलब जो इंट्रो होता है फर्स्ट में बोलते हैं कि वेलकम टू यूट्यूब चैनल जो भी है, तो उसको बोलने के लिए कम से कम 6-7 बार बोला होगा, तब जाके मुझे वो इंट्रो मिला था। क्योंकि कोई लोग अगर बगल से भी गुजर रहा तो ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब अजीब सा थोड़ा हेजिटेशन टाइप होती है। लेकिन उस दिन मैं पूरा बना नहीं पाया, तो क्या किया मैंने उस व्लॉग में कि मैंने वीडियोज़ बनाई और उसके बाद घर जाके वॉइस ओवर किया। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में उतनी शर्म लग रही थी मुझे, और उसके बाद भी जो मेरा फर्स्ट वीडियो थी उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। अगर पहली वीडियो में ही अगर 1K से ज़्यादा व्यू आ जाए, फर्स्ट वीडियो थी मेरी उस टाइम पे यूट्यूब पे, तो एकदम कॉलर खड़े होते हैं ना, तो मतलब व्यू काफ़ी अच्छे आए उस पर और रिस्पॉन्स लोगों का काफ़ी अच्छा रहा, तो उससे मुझे हौसला भी मिला। तो जनवरी में मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, उन दोनों वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद फरवरी से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट थे, तो मैं चले गया था श्रीनगर, तो मतलब 2-3 महीने मैं वीडियोज़ बना ही नहीं पाया। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम पूरे हुए भी थे, मतलब कैंसिल हो गए थे बीच में कोविड की वजह से, तो उसके बाद मैं आया बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में टास्क था कि भाई शुरुआत में क्या बनाया जाए, तो भैया ने कहा एक काम कर तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर। तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने फर्स्ट दिन जब कपाट नहीं खुले थे उससे पहले दिन का एक बनाया गाँव में जो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर उतना कुछ रिस्पॉन्स पहले के हिसाब से काफ़ी कम लगा मुझे। वैसे अच्छा था शुरुआत के लिए, लेकिन पहले के हिसाब से कम लगा, तो थोड़ा अजीब सा हुआ मुझे। मुझे लगा कि डेली व्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके 2रे या 3रे दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने थे, तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई, तो उस पर काफ़ी अच्छा 3K के आसपास व्यू थे उस टाइम पे, तो वो व्यूज़ अच्छे आए। तो उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था तो मैंने और भी वीडियोज़ बनाई, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी लोगों की मदद से। उसके बाद रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, और सबसे जो मेरी टॉप व्यूड वीडियो थी, जो सबसे ज़्यादा देखी गई थी, वो घंटाघर जी की बद्रीनाथ जो यात्रा थी, उसमें अभी 34K व्यू है। उसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और आप सभी लोगों ने शेयर किया उस वीडियो को, आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। और इतनी सारी वीडियोस बनाई, उसके बाद आज मैं 1K सब्सक्राइबर पर पहुँच चुका हूँ, तो एक बार फिर से सभी लोगों का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, जो मेरे गाँव के लोग हैं, जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी जुड़े हुए हैं और मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, तो आप लोग प्लीज़ वो देखिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरा इसी तरह साथ देते रहेंगे और आगे भी मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आप सभी लोगों का मैं जो साथ है वो चाहता हूँ। तो सभी लोग, जिन भी लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए, इसी व्लॉग में आपको बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो भी दिखाते हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूं, बद्रीनाथ मंदिर है उसके सामने पे, आपको दिखाता हूं बद्रीनाथ मंदिर। आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है क्योंकि जो चारधाम यात्रा है वो अभी बंद है, इसलिए जो बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ पे दर्शन नहीं हो रहे हैं बाहर के श्रद्धालुओं के लिए। और अभी आपको दिख रहा है सामने भगवान बद्रीशाल जी का जो मंदिर है उसका सिंह द्वार आपको अभी दिख रहा है सामने। और ये जो येलो कलर का है ये है तप्त कुंड, गर्म पानी का जो कुंड है वो यहाँ पे है। और ये माँ अलकनंदा नदी बहती हुई भगवान बद्रीशाल के चरणों में। और अभी मैंने आपको दर्शन करवाए भगवान बद्रीशाल जी का जो मंदिर है उसका सिंह द्वार का। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, इसलिए आपको कहीं भी भगवान बद्रीशाल जी का जो अंदर का दर्शन है वो नहीं होंगे। और अभी जो चारधाम यात्रा है उस पर प्रतिबंध है, अगर जब भी खुलती है आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और भगवान बद्रीशाल जी और बद्रीनाथ धाम में जो भी पूजा वगैरह और बाकी जो भी चीज़ें गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती है वो सब देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है हनी और अभी मैंने योगी भैया का ब्लॉग देखा था तो मेरा मन गया ब्लॉग बनाने का। और अभी थोड़ी देर तक मैं ही बनाऊंगा ब्लॉग और मेरे साथ योगी भैया है। तो ये था हनी और अभी थोड़ी देर तक हनी बताएगा आपको क्या क्या हो रहा है। अब हम अपने घर, मेरे घर जा रहे हैं, तो चलो। तो अभी मम्मी बना रही है कॉफ़ी और अभी हम पियेंगे गरम गरम कॉफ़ी। तो भैया जाने लगे हैं घर और अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ऐसे ही साथ देते रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल वाईबी ब्लॉग्स को। थैंक यू।